बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नेम से ही समझ में आ रहा है, हमें कुछ एरर होंगे उसको रेक्टिफाई करना होगा। जो भी अकाउंटेंट होता है, जो भी अकाउंटिंग कर रहा होता है, उससे गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है वो डेबिट को क्रेडिट पे लिख जाए, हो सकता है वो 500 को 5000 लिख जाए। ऐसे बहुत सारी गलतियां अकाउंटेंट कर देता है। तो इस गलतियों को सही कैसे किया जाए? अगर आप अकाउंटेंट बनते हैं, आप कुछ एरर कर देते हैं अकाउंटिंग करते समय किसी फर्म की या किसी कंपनी की, तो आप उस एरर को कैसे सही करेंगे, वो इस चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत इजी चैप्टर होता है। अगर आपको जर्नल एंट्रीज वाला जो चैप्टर था वो आता है, तो आप ये चैप्टर आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आप एक सेकेंड में पूरा चैप्टर जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। एक एक सेकेंड में आप आंसर देंगे कि इस एंट्री की जो करेक्ट एंट्री होगी वो ये होगी। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको चैप्टर जो जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर है वो अगर अच्छे से आता है। तो चलिए एक कुछ एग्जांपल्स सिखाते हैं आपको। जैसे हमको एक एंट्री करनी थी सेल्स की, कैश सेल्स की, तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या कर दिया? सेल्स ना लिखकर उसने लिख दिया परचेजेस। क्यों नहीं? गलती है, कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है वो। तो अब इसको सही कैसे किया जाए? तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तब तक कट करेंगे जब तक ये दिखे ना, और इसके ऊपर हम लिख देंगे सेल्स। अच्छा, दिख रहा है? तो क्या ऐसे सही गलती को सही किया जाएगा? रॉन्ग। इस तरह आपको कभी भी अकाउंटिंग में इस तरह कट करके या स्क्रिबलिंग करके कभी भी गलतियों को सही नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अरे अकाउंटेंट जो है वो कुछ इस तरह करेगा तो लगेगा सस्पिशन क्रिएट होगा, कुछ लगेगा कि कुछ फ्रॉड किया गया, क्या लिखा था ऐसा जो उसको कट करके सेल्स लिखने की जरूरत पड़ गई। तो ये चीज कभी नहीं करनी है। तो हमें क्या करना होगा, अगर एंट्री के थ्रू अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसी की तरह एक और एंट्री उल्टी पास करके उसको सही कर दिया जाएगा। अगर मैंने एंट्री गलत पास की है तो हम दूसरी एंट्री पास करेंगे जिससे इसका इफेक्ट जीरो हो जाए और नई एंट्री पास कर देंगे। तो इस तरह हमें एरर्स को रेक्टिफाई करना है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी जिसकी हेल्प से आप एंट्रीज को करेक्ट करेंगे। अपने अगर आपने कुछ एंट्री गलत लिख दी है तो उसको सही कैसे करेंगे वो इस पूरे चैप्टर में बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये गलत जो कट करके हमने किया ये चीज कभी नहीं की जाती है काउंटिंग में। तो अगर सपोज 50 लिखा है, 5000 लिखना था, तो आप ये नहीं करेंगे कि 20 आगे बढ़ा देंगे। तो ये चीज कभी नहीं की जाएगी। पूरे चैप्टर को समझने के लिए आपको एरर्स कितने टाइप के होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम पहले एक बार जो ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एरर, उसका एक रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे बताएंगे कि रेक्टिफिकेशन कैसे करना है। तो चलिए, ओवरऑल एरर जो थे हमारे 4 टाइप्स के थे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स। इन चारों एरर को अभी हम यहां पे समझाएंगे कि थे क्या ये एरर, और एक एग्जांपल लेके भी बताएंगे कि उसको सही कैसे किया जा रहा है और वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर भी रहे हैं कि नहीं। हम सही करके नहीं बताएंगे कि रेक्टिफाई कैसे करना है। रेक्टिफाई करना हम तब समझाएंगे जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लगवाएंगे। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बेस बना रहे हैं क्या है। तो टाइप्स ऑफ एरर में फर्स्ट टाइप था हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट से रिलेटेड जो एरर होते हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आते हैं। कैपिटल नेचर के वो आइटम होते हैं जो एसेट या लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। रेवेन्यू नेचर के वो आइटम होते हैं रिसीट या एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को अफेक्ट करते हैं। अगर मैंने ये रूल नहीं फॉलो किया है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने मशीन खरीदी है और मशीन को रिपेयर करवाया है, मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उसको रिपेयर करवाया। रिपेयर कराने के बाद वो वर्किंग कंडीशन में आ गई। अब मैंने जो रिपेयर कराया मशीन पे, ये रिपेयर वाला अमाउंट मशीन अकाउंट में जोड़ना चाहिए, तो उस समय क्या एंट्री होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मैंने मशीनरी ना लिखकर क्या लिख दिया? रिपेयर लिख दिया, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। सपोज 5000 का रिपेयर है तो 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट, 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। तो देखिए, मैंने यहां कि जो गलती की है वो की है मशीनरी रिपेयर की। मुझे रिपेयर ना लिखकर क्या लिखना था? मशीनरी अकाउंट में। क्यों? क्योंकि
एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ ये, प्रिंसिपल हमने फॉलो नहीं किया। प्रिंसिपल क्या था, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करके मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह उसको ट्रीट कर दिया, तो ये मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अच्छा ये एरर होगा तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि आपने देखिए डेबिट में 5000 लिखना था यहां पे मशीनरी अकाउंट में, लेकिन आपने रिपेयर अकाउंट में डेबिट में लिख दिया। डेबिट में तो बराबर चल रहा है ना, देखिए 5000 5000, इसमें ये लिखना था, इसमें भी 5000 बराबर होना था, लेकिन हमने लिख क्या दिया, डेबिट और क्रेडिट, तो अमाउंट तो बराबर ही चल रहा है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। टैली हम यहां लिख रहे हैं मतलब ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल समझने के लिए आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स अच्छे से आने चाहिए। उसका जो टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल आपके कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट, ये अगर आपको अच्छे से आता होगा तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कर ले जाएंगे। हमने अभी आपको एक शॉर्ट में बता दिया एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर होते हैं जो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। अगर इन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करके आपने एंट्री पास की तो गलत हो जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज हो जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड पे, ध्यान रखिएगा ये एरर जो होता है ये ट्रायल बैलेंस को टैली करवा देता है, मतलब ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। अब आते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्लरिकल एरर्स होते हैं। क्लरिकल एरर्स को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अगर ये 4 नेम आपको याद हो जाएंगे तो आपको एरर ऑफ कमीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है, क्लरिकल एरर्स, रॉन्ग अकाउंट, मुझे डेबिट में राम के अकाउंट में लिखना था, मैंने लिख दिया श्याम के अकाउंट में, तो ये रॉन्ग अकाउंट में अगर हम लिख दें अमाउंट, या रॉन्ग अमाउंट लिख दें, मतलब 50 लिखना था मैंने 500 लिख दिया, रॉन्ग साइड, मुझे डेबिट में लिखना था मैंने क्रेडिट में लिख दिया, रॉन्ग कास्टिंग, लेके जाना था हमें डेबिट साइड लेकिन हम ले गए क्रेडिट साइड में, तो इस टाइप के कुछ भी एरर अगर राइज होते हैं तो वो एरर ऑफ कमीशन कहलाएंगे। क्लरिकल एरर से हम इसको समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से एरर जो हैं हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो देखिए रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, डेबिट में हमें यहां लिखना था राम के लेकिन मैंने डेबिट में श्याम के लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा इसमें, सिंपल सा था, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, मुझे 550 डेबिट में लिखना था मैंने 500 लिख दिया डेबिट में, तो 450 का डिफरेंस तो अराइज हो जाएगा ना, ट्रायल बैलेंस यहां पर टैली नहीं करेगा, यहां हम लिख दे रहे हैं डू नॉट टैली, डू नॉट टैली। अब रॉन्ग साइड, मुझे डेबिट में लिखना था मैंने क्रेडिट में लिख दिया, तो रॉन्ग तो होना ही है, ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं करेगा, तो डू नॉट टैली, डू नॉट टैली, यहां ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। रॉन्ग कास्टिंग, मुझे डेबिट में ले जाना था मैं क्रेडिट में ले गया, तो ट्रायल बैलेंस यहां भी टैली नहीं करेगा, डू नॉट टैली। तो ये तो हमारे दो टाइप के एरर कंप्लीट हो गए, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कमीशन। नाउ एरर ऑफ ओमिशन, ये 4 वर्ड याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, इसी को एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। अच्छा ये जो एरर हुए ये सही कैसे होंगे वो हम आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तब आपको वहां डिटेल में समझाएंगे। नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब एंट्री करना, भूल जाना। मुझे अच्छा एरर ऑफ ओमिशन 2 तरीके के होते हैं, पार्शियल ओमिशन, फुल ओमिशन। मुझे एक एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 500 की एंट्री थी, हमने क्या किया सिर्फ डेबिट में लिख दिया, क्रेडिट में नहीं लिख पाए हम, मतलब हमने एंट्री ये करनी थी तो हमने एंट्री की क्या, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, सेल्स करना भूल गए, क्यों नहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा एरर है, ये पार्शियल ओमिशन है, मैंने आधी एंट्री की ना पार्शियल, तो ये पार्शियल ओमिशन, ये ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि डेबिट में ही लिखा है क्रेडिट में नहीं लिखा है, तो ये जो पार्शियल ओमिशन है ये ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं कराएगा, ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली। ट्रायल बैलेंस तब टैली होते हैं जब डेबिट और क्रेडिट बराबर हो, तो यहां तो सिर्फ डेबिट 500 इंक्रीज हो गया ना, क्रेडिट में तो आया नहीं। फुल ओमिशन मतलब पूरी एंट्री आप भूल गए, मतलब ना आपने डेबिट लिखा ना आपने क्रेडिट लिखा, तो यहां तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, तो यहां लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस टैली। हमारा लास्ट जो एरर है वो है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स वो एरर होते हैं जो एक गलती को छुपा देते हैं, कोई और गलती हुई है तो एक दूसरी मैंने गलती की, दोनों गलतियां आपस में छुप गई, तो ऐसे एरर को कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक एंट्री ये की है और एक एंट्री ये की है, लेकिन इसमें अमाउंट मैंने इस तरह लिख दिया है, यहाँ पे 40,000 दिखा दिया
अरे यहाँ 50 दिखा दिया तो यहाँ देखिए अमाउंट की गलती हो गई, डेबिट 40,000 से 50,000 से। एक और देखते हैं, ये दूसरी एंट्री में भी मैंने एक एरर कर दिया है अमाउंट नोट करने का, तो देखते क्या, यहाँ मैंने 40 दिखा दिया और यहाँ 30 दिखा दिया, 30,000। देखिए दोनों एंट्री में एरर है, दो अलग अलग एंट्री हैं, दोनों में अमाउंट का एरर है। अब इसका हम ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो डेबिट में क्या लिखेंगे, टोटल 80,000। देखिए डेबिट में 80,000 आ गया और क्रेडिट टोटल करेंगे तब भी 80,000 आ रहा है, ट्रायल बैलेंस तो टैली कर गया ना। इस तरह के एरर को कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं, एक गलती ने दूसरी गलती से मिलकर आपस में छुप गई और हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली कर गया। तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाएगा। अब हमने देखा कि ऑल फोर टाइप्स ऑफ एरर में कुछ ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहे। यही से हमें दो चीजें निकल कर आती हैं, अब उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जितने भी एरर पढ़े उन सारे एरर को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, फिर हम अपना रेक्टिफिकेशन का काम स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रॉम रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अब रेक्टिफिकेशन के पॉइंट से जितने भी एरर हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगे, एरर्स विच इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तब हमें इन दो कैटेगरी को लेके ही रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी। इस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना होगा तो इसकी एंट्री अलग होगी, उसको करने के लिए उसकी एंट्री अलग टाइप से की जाएगी। तो इसमें कौन से हैं जो टू साइडेड एरर थे, मतलब दोनों साइड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमने आपको पूरा समझाया था, उसी में से कुछ अलग अलग निकाल के अलग अलग दोनों में डिवाइड कर दिया मैंने। तो एरर ऑफ फुल ओमिशन जो है वो टू साइडेड होता है, पूरी एंट्री हमने भूल गए लिखना तो दोनों साइड इफेक्ट होगा, इसलिए टू साइडेड एरर है। ये वन साइडेड एरर है जिसमें सिर्फ एक साइड इफेक्ट हो रहा है, डेबिट हो रहा है सिंगली या फिर क्रेडिट हो जा रहा है। एरर ऑफ फुल ओमिशन, पूरी एंट्री इग्नोर कर दिए तो टू साइडेड एरर है। रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, हम ट्रांजेक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर गए, मतलब डेबिट जो क्रेडिट में लिखना था वो डेबिट में लिख दिया, जो डेबिट में लिखना था वो क्रेडिट में लिख दिया। डेबिट क्रेडिट तो बराबर चल रहा है लेकिन ये टू साइडेड एरर है, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा लेकिन एरर है, उसको तो रेक्टिफाई करना ही है। फिर है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, मुझे किसी और अकाउंट में लिखना था, किसी और के अकाउंट में लिख दिया मैंने, तो ये भी हमारा टू साइडेड एरर है और ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में तो हम अकाउंट ही गलत लिख देते हैं, मशीनरी लिखना था तो हम रिपेयर लिख दिया लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो बराबर चलेगा। तो ये चार टाइप के जो एरर हैं ये टू साइडेड एरर होते हैं, इनको रेक्टिफाई एक जर्नल एंट्री पास करके किया जाता है। कैसे रेक्टिफाई करना है वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कराएंगे, तो जैसे ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे उसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करवा देंगे कि ये कौन सा एरर है, टू साइडेड है कि वन साइडेड, फिर उसी समय हम आपको रेक्टिफाई करना सिखा देंगे। तो रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा एक बार शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं, पहले हम रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, जो मैंने एंट्री गलत पास कर दी है, फिर करेक्ट एंट्री पास करेंगे, फिर रेक्टिफाइड एंट्री पास कर देंगे। तो ये कैसे पास कैसे होगी एंट्री वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझाएंगे। तो ये तीन चीज याद रखिएगा, पहले रॉन्ग एंट्री पास करनी होगी, फिर करेक्ट एंट्री, फिर रेक्टिफाइड एंट्री, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। आते हैं वन साइडेड एरर, तो वन साइडेड एरर मतलब सिर्फ डेबिट में गलती है, सिर्फ क्रेडिट में गलती है। इस तरह की गलतियों को सही करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, इस तरह की गलती को सही करने के लिए सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास करेंगे। सपोज डेबिट में गलती है तो डेबिट वाली गलती पता चल गई क्या है, उसको मैंने सही कर किया गलती को, तो सिर्फ डेबिट ही तो सही हुआ लेकिन एंट्री पास करने के लिए तो डेबिट और क्रेडिट दोनों चाहिए, तो क्रेडिट वाले तो अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है क्या है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के बाद, फिर हम अपना जो रेक्टिफिकेशन का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे, तब आपको दोनों कैसे रेक्टिफाई करना है समझ में आएगा। तो सस्पेंस जो वन साइडेड एरर होते हैं वो कौन से होते हैं, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट। हमने कम डेबिट कर दिया, 500 से करना था 40 से डेबिट कर दिया, तो कम डेबिट है तो इसको अंडरकास्ट कहते हैं। ओवरकास्ट, 50 से डेबिट करना था हमने 500 से कर दिया डेबिट, तो ज्यादा लिख दिया, उसको सही करना है। तो इस तरह के एरर को वन साइडेड एरर कहते हैं, अंडरकास्ट या ओवरकास्ट। पोस्टिंग टू एन अकाउंट ऑल टुगेदर ओमिटेड, एक अकाउंट में डेबिट में हमें लिखना था 50, हम पूरा ही लिखना भूल गए, मतलब पार्शियल ओमिशन। तो इस तरह के एरर वन साइडेड एरर होते हैं, ये इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, क्योंकि डेबिट में ही एरर किया आपने क्रेडिट में नहीं। व्हेन पोस्टिंग इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, डेबिट में हमें लिखना था हम लेकिन क्रेडिट में लिख गए, तो एरर अराइज हो जाएगा, सिर्फ एक ही साइड एरर अराइज होगा, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा और ये वन साइडेड एरर है। व्हेन द पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट इज डन, अमाउंट ही गलत लिख दिया, 370 लिखना था 375 लिख दिया, तो 5 का एरर आ जाएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा। तो इन टाइप के, इस तरह के एरर को हम कहते हैं वन साइडेड एरर, और इस तरह के एरर को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सही किया जाता है। सस्पेंस अकाउंट क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंस अकाउंट एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद से सारे एरर ये वन साइडेड और टू साइडेड दोनों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे।